बड़का समाचार के बाद अब भी रहे खबर छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में नवा सरकार बने के बाद विधानसभा के पहली बजट में लोगन मन के प्रतिक्रिया का है, आवा देखी हमारे रिपोर्ट में। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने जब छत्तीसगढ़ में पहली बार आया और अपने पद ग्रहण किए, सभी को अच्छा लगा। और अच्छे लगने के साथ साथ आज हमारे आर्थिक उन्नति तरक्की के लिए भूपेश बघेल जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बजट पास किया कल का बजट, और हमको अच्छा लगा। और मानने में हमको और जमीनी स्तर पे जो बोलते हैं आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जैसे कि गौशाला के लिए है, जैसे किसानों के लिए कर्जा माफ़ का है, बिजली के लिए है, बिजली संबंधित बिल हाफ करने वाला है। तो मैं बिल्कुल बोलूँगा माननीय श्री मंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जो भी किया है और करने जा रहा है बजट पास के लिए, जो किया है सराहनीय है। और इसी को अगर आगे बढ़ते हुए क्रम में अगर रखेंगे, निश्चित तौर से हमारे आने वाला भविष्य बहुत बेहतरीन होने वाला है। भूपेश बघेल साहब जो नए मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री का बजट है ये, छत्तीसगढ़ के गांव और किसानों के लिए बजट बनाया इन्होंने, और किसानों को कैसे लाभ हो, व्यवसायियों को कैसे लाभ हो, और आम आदमी के जनजीवन में स्तर में कैसे सुधार हो, उसको लेकर इन्होंने ये बजट बनाया है। ये नहीं कहूँगी कि मैं कांग्रेस वाली हूँ या बीजेपी वाली हूँ, बट अभी कांग्रेस जो कर रहा है अभी शुरू दो चार महीने ही हुए हैं, तो जैसे कि कर्ज माफ़ी, जिससे सारे किसान अभी खुश हैं। अभी आया है कि पशुओं के लिए घर वर दिया जा रहा है, उनको चारा वारा दिया जा रहा है, वो भी किसी हद तक कि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा था। बिजली बिल वाला जो अभी आया है कि वो भी कम किया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है। मैं आगे भी चाहती हूँ कि अभी ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ दो तीन महीना नहीं, आगे कंटिन्यू 5 साल तक करें, क्योंकि जनताओं को बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो अपने सरकार से, कि वो सरकार जिसे उन्होंने वोट दिया है वो उनके स्टेट को बहुत आगे लेवल तक लेके जाए। तो मैं चाहूँगी भूपेश बघेल या किसी भी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जनता के बारे में सोचे और उनकी भलाई के लिए बहुत कुछ ऐसे ऐसे इन्वेंट करें जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा हो और वो इंडिया में एक बेस्ट स्टेट पे पहुंच सके। आज बात ये देखा गया है कि कांग्रेस सरकार के आने से पहले जो वादा किया था, उन वादों को पूरा करने के लिए उनका पहल हो चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसानों का कर्ज माफ़ हो चुका है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, या किसानों के लिए बहुत बड़ी बोल सकते हैं बेनिफिट की बात है कि उनके लिए कर्ज माफ़ हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बिजली सरकार ने 40% तक बहुत ही ज़्यादा छूट कर दी है, जो कि आम आदमी, गरीब परिवार सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक जीत है। तो इसके लिए मैं भूपेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने सरकार से जो वादा किया था वो वादा को पूरा करें, पूरा करने की पहल हो चुकी है, और इसी मकसद से हम सभी आपका और कर्ज माफ़ी हो गया ये सब हम आगे चाहते हैं।